रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। ये ओपा मोरल ओपा भारत अवार्ड पहले उत्तर प्रदेश में किया जाता था, इस बार मुंबई में उन्होंने किया। एज ए अवार्डी हमको इन्वाइट किया गया था, मैं तीन चाने का डायरेक्टर हूँ और ये सलीम भाई है, साउथ के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर, तो उन्होंने इन्वाइट किया तो हम आए हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। जितने अवार्ड्स आपको मिलेंगे उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको उतना क्वालिटी वर्क देना पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुभ अवसर के लिए आप लोगों ने सम्मान देने के लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ आपका। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे अवार्ड में आते हैं, जो इतनी इज्जत से आप लोग हमें एहतमाम करते हैं, स्वागत करते हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और हम नसीब वाले हैं जो ऐसे फंक्शन के लिए हमें बुलाया गया है, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप लोगों ने बड़ी खूबी से हमें इन्वाइट किया। थैंक यू। ओके थैंक यू। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। बॉम्बे में आए हैं पहली बार, पहला अवार्ड फंक्शन पर आए हैं, आप लोगों ने अच्छे से इन्वाइट किया, स्वागत किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों का शुक्रिया, पहले अवार्ड में आए हैं, अभी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश शर्मा है, आई एम ए फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल। मैं यहाँ पर आया हूँ एज ए अवार्डी भारत अवार्ड 2022 में, ये जबकि 22वां अवार्ड है। बहुत प्राउड फील कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे एम्बियंस है, और जो इनके कार्य हैं और जो एम है कि सबको एक ही स्टेज पे लाना है, सभी टैलेंट्स को, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, सभी को मोटिवेशन मिलती है। और जो मॉरल जगाना है, भारत बढ़ाना है, ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, और मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी अवार्डीज को और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये अवार्ड्स का पूरा क्या दिया है? उप का है ना, क्या दिया है? उप अवार्ड्स का स्टार्ट करें। हाय, मेरा नाम रिंस अंसारी है और मैं ऑक्सफोर्ड रियल्टी की कंपनी से हूँ, और यहाँ पे जो आए हैं उप अवार्ड्स फंक्शंस में, ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऊपर वो जो है पहले लखनऊ में होता आया है, 22 साल से हो रहा है, अगर मुंबई का किया है, और मैं समझता हूँ कि जितनी इन्होंने सुर्खियाँ मेहनतें वहाँ की हैं उतनी वो यहाँ भी करेंगे, जिसका बहुत से लोगों को लाभ होगा, खुशन कलाकारों को, और इन सारे लोगों को इंटरेस्ट निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होने से आपस का जो रिलेशन है, जो की मोहब्बत है, उस पर बड़ा असर होगा। और मैं इन सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं या इसके पीछे काम करने वाले, सबको दिल में मुबारकबाद देता हूँ। और सुविधा का जब इस भव्य कार्यक्रम में इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करके मुझे बुलाया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत ही खुशी की बात है जो ये प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह इधर, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया गया ओपा अवार्ड के अंदर, और मेरी बहुत बहुत फॉर्चून लाइफ लाइन वालों की भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनका कि उन्होंने मुझे इतने बड़े शहर में इतने लोगों के बीच में मुझे चुना उन्होंने, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये इस साल मुंबई में हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है? ये तो बता रहा हूँ, ये बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी बहुत खुशी की बात है।
तो ये अपने उत्तर प्रदेश वालों का जो ये प्रोग्राम है मुंबई में हो रहा है और इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है, बहुत 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 बहुत, बहुत खुशी है। देखिए सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, और आए हुए यहाँ जितने भी प्रेस से मीडिया से आए उनको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग यहाँ आए। उपा अवार्ड जो यूपी से है, लखनऊ से, और ये दूसरी बार मुझे मिल रहा है। पहले यही अवार्ड मुझे लखनऊ में मिला था और आज हमारे काम के वजह से ले सक लेंगे, तो आप समझिए कि बहुत ही खुशी है इस बात की कि ये यहाँ चल के आया। यहाँ के लोगों को मतलब बहुत ही उत्साह मिलेगा, उनकी सक्सेस में उनको कामयाबी मिल रहा है। भाई जिनको मिल रहा है वो तो खुश है ही, मगर जिनको नहीं मिल रहा उनको भी खुश इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आस है तो विश्वास है, विश्वास है तो आस है, उसमें ये कामयाबी रहनी चाहिए कि भाई नेक्स्ट टाइम हम जब आए यहाँ और इस अवार्ड में तो हमारे हम भी नॉमिनेशन में रहे। तो और बाकी सब बहुत बढ़िया है, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं बोल रही हूँ आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बहुत ही फिल्म मेकर, बड़े मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राजस्थान की आन बान शान केजी भगोड़िया साहब है जो कि उपा अवार्ड के बहुत बड़े हकदार हैं। ऐसे तो इनको अवार्ड की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं कि इन्होंने औरों को ही अवार्ड दिया है अपनी फिल्म के माध्यम से। आज हम चाहते हैं कि इस उपा अवार्ड को इन्होंने आके गरिमा बढ़ाई है, तो दो शब्द और बोलिए इनके लिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे सबीर भाई एंड फैमिली ने बुलाया, मैं आ गया और आके सबसे मुलाकात हो गई, धन्यवाद इनका, और ये हमारा भाई से मुलाकात हो गई, भाभी से हो गई, सबसे हो गई। अभी 50 ईयर हो गया मुझे, 65 ईयर रिलीज, वो पिक्चर रिलीज है, एक तेरी मेहरबानी पार्टी, एक सिग्नेचर अनुपम खेर वगैरह, और बाकी बस ये 60 फिल्में बना ली और सारे भी हमारे साथ काम किया और ये हमारे राजस्थान की शान ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे सर, कैसे सर, ये अवार्ड लखनऊ में होता था, बस एक दो मिनट सिर्फ एक फोटो मुंबई में हो रहा है, उसका कितनी बड़ी बात है ये मुंबई लखनऊ भाई भाई है यार, आधा पाधा मुंबई तो लखनऊ में शूटिंग कर रहा है, तो योगी साहब और पूरे लखनऊ सरकार और अभी मैं शूटिंग करके आया, सिग्नेचर अनुपम खेर, अनु कपूर वगैरह सब थे, दे आर द बेस्ट शो भाई। तू भी अजन यार, तुम्हारा एक सिंगल भी ले, चलो थैंक यू, चलो एक सिंगल ले, एक सिंगल ले, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपा अवार्ड को लेकर, और हर साल ये लखनऊ वगैरह हुआ करता था, इस बार मुंबई में है, तो क्या खास है? देखिए मुंबई जो है वो हमारी एंटरटेनमेंट की कर्म भूमि, इस कर्म भूमि में ही हम सभी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो हैं अपना अपना कार्य, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खैर लखनऊ जो है वो भी एक कला का शहर है, पहले वहाँ होता था और इस साल जो है मुंबई में हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इसी बहाने कम से कम इस साल मुझे इसमें शिरकत करने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत निर्माण महोत्सव या भारत पर्व आप कहते हैं, जिसमें आप कला के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को सम्मानित करते हैं, उनके योगदान के लिए आप उनको सराहते हैं, तो ये वाकई एक सराहनीय कार्य है इन लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे हमारे अशोक हैं, शबीर भाई हैं, और जो इनके चेयरमैन साहब हैं,
और उनको मैं शुक्रगुजार कहना चाहूँगा, ये खड़े मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे साथ जावेद हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं। तो वाकई हमें यहाँ आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं दिल से कहूँगा कि इस तरह के अवार्ड जब इसको मिलते हैं, वो भले ही एक न्यू कमर हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हो, टेलीविजन का हो, या वो बाहर का हो, तो एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। जब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है तो उन्हें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, क्योंकि अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड नहीं होता, एक शील्ड नहीं होती, एक ट्रॉफी नहीं होती है, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है वो बखूबी निभाएँ, और मैं ये चाहूँगा कि अपने काम को वो और बेहतर बनाएँ और जीवन में तरक्की करें। आई वुड लाइक टू से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, मैडम साइड में सर, यहाँ पे मैडम जरा, हाँ रेडी मैं सर, यहाँ पे देखो, हाँ अभी सामने देखो, इंटरव्यू ले रहे हो गया, डन टेबल पे रखो। थैंक यू सो भाई। ओ मैडम, या ओ मैडम, मुझे मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मुझे इतने अवार्ड मिले हैं मगर दिस अवार्ड इज सो क्लोज टू मी, आई कांट एक्सप्लेन यू रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मैन, लकी चार्म ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई मॉडलिंग एक्टिंग through his contest. I belong to Lucknow and now I'm rocking in Mumbai just because he gave me a right platform and I'm here. Thank you so much Vami ji, thank you so very much, seriously I owe you. award jo hai Lucknow mein ho raha tha, pehli baar Mumbai mein ho raha hai, yeah, to kya lucky mante hai ki Mumbai mein hua aur aisa award mila hai? bilkul sir, bilkul bahut acha lag raha hai, I can't explain you, I don't have words to say, बट मैं सच बताती हूँ दिल से इतनी खुशी हो रही है कि मतलब, और स्पेशली पता है क्यों, क्योंकि हमारे लखनऊ के लोग बॉम्बे में आके इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी आप क्या कहना चाहोगे इस अवार्ड को लेके, कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं डॉक्टर विमल गुरु जी भोपाल से हूँ। इस भव्य कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जिन कलाकारों का चयन किया है वो बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत सही तरीके से, बहुत ईमानदारी से किया। आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है, जैसे इस मीडिया को अवार्ड मिला है, ये उसकी पात्रता है, 100% पात्रता रखती है। ऐसे कलाकारों को जो सम्मान दिया है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इस भव्य कार्यक्रम में एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कलाकार खूब आगे बढ़े, उन्नति करते रहें, खुद का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, बम्बई का नाम रोशन करें, सारे महानगरों का नाम रोशन करें, अपने पूरे परिवार समाज का नाम रोशन करें। और जो आयोजक जो मेरे साथ में हैं भाई साहब, मेरे आदरणीय, इन आदरणीय इतने विनम्र हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, कि इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता है। यही विनम्रता होती है, यही बड़प्पन होता है। आज इनके सौजन्य से, इनके और साथियों के सौजन्य से इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं बहुत 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 हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इससे पहले लखनऊ हुआ, काठमांडू किया, सिंगापुर किया हम लोगों ने, एंड दिस इज द दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू दोज जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कला, संस्कृति, फिल्म, स्पोर्ट, अलग ज्योतिष, इंटेलेक्चुअल, साहित्य, लिटरेचर, जिसमें जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए यह होगा। अगला कदम कहाँ होगा? अगला कदम दिल्ली। मैम ये फोन।
मैं डायरेक्टर हूँ, साउथ से हूँ, तो यहाँ पे मैंने हिंदी फिल्म बनाई थी तीन चार है, और ये सलीम भाई है प्रोड्यूसर है साउथ से है जो फिल्म कर रहे हैं। तो हमारी फिल्म उन्होंने देखी थी, हमें जैसे कि बहुत काफ़ी पसंद आया था, काम पसंद आया, तो उन्होंने जो है भारत का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और ये अवार्ड ये सम्मान दिया गया। इसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टैलेंट को देख के जो है हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाई है, बस इतना कहेंगे। जी मैं साउथ से प्रोड्यूसर हूँ और अपकमिंग मेरी फिल्म आने वाली है, उसका हीरो भी हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। उसके लिए हमारे काम को उन्होंने पसंद करके ये अवार्ड दिया है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं और आपका शुक्रिया अवार्ड करने वालों का। जी नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू। आज आपको अवार्ड इनका मुझे, मैं तो उत्साहित हूँ, मुझे अवार्ड दिया है तो थैंकफुल टू द मोरन टीम और यूपीए भारत अवार्ड्स के लिए। लेकिन इसमें जो स्लोगन था इनका, भारत को मोरन जगाना है, भारत बनाना है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और बाकी आई एम हैप्पी, मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी आने वाली फिल्म है अभी शुभ निकाह, जो रिलीज़ हो रही है 10 मार्च को, मेरी प्रीवियस फिल्म थी ऑफिसर अर्जुन सिंह एक्टर, अभी शुभ निकाह आ रही थी, उसी की तैयारी में लगे हैं। हमारी अभी एक मोदी जी की बेटी लास्ट रिलीज़ हुई थी 14 अक्टूबर, तो नेक्स्ट रिलीज़ में लगे हुए हैं, अभी 2-3 फिल्में लाइन अप। थैंक यू सो मच। अरे इधर आओ ना, अवार्ड तो नीचे रख दे, निकल दोस्तों। सर पब्लिक तो आपने देखी कि मैं हर वक्त यही बोलता हूँ कि हमारा नारा है खेल देखो बंदर का माल निकालो अंदर का, ये हमारा नारा है। खाने को खाते नहीं लोग पिक्चर देखते हैं, आज पब्लिक ही हमारी पिक्चर को हिट करती है, पब्लिक ही हमारी पिक्चर को क्या बोलते हैं सिल्वर जुबली करती है, गोल्डन जुबली करती है। आज दुख ऐसा है कि मल्टीनेशनल एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी, आज 999 कंपनी हुकूमत करने की वजह से अलग अलग कंपनियां आ गई और पिक्चर रिलीज में इतना तकलीफ है कि वो माफिया हो गई। पहले 100 रुपये में पूरा घर खाता था, पीता था, पिक्चर देखता था, आज 1000 रुपये में एक आदमी पिक्चर नहीं देख सकता। तो मेरी दिली गुजारिश है कि थिएटर हमेशा बोलते आया, आपको भी मालूम है अखिलेश भाई के, थिएटर का रेट कम करें, पॉपकॉर्न पेप्सी का रेट कम करें और पिक्चर पहुँचाए। ये 12वां हमारा अवार्ड है जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने अवार्ड दिया लखनऊ में, और ये बम्बई में करने का मौका मिला और अल्लाह ने सक्सेस किया। थैंक यू। सर क्या है, मैं मीडिया को बोलता हूँ कि सब चिकनी चमेली को आप दिखाते हो, ये लोग PhD के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने जो फिल्में दी है केसी बुकाड़िया 60 फिल्में, आज भी फिल्म कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर आ रही है। धीरज कुमार TV का PhD का प्रिंसिपल है, आज इनका अवार्ड गिनीज वर्ल्ड सब जगह उनका नाम है। तीसरा जूनियर महमूद बचपन से काम कर रहा है, मेरा दोस्त है, बचपन से काम कर रहा है, तो सर उसको बढ़ावा नहीं देते हैं और उल्टा सीधा चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा
पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उत्तर प्रदेश आर्टी अकेडमी और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शहीद सुखिया फाउंडेशन का। हम लोग ज़मीनी लेवल पर काम करते हैं एजुकेशन पे और उन लोग के लिए जो परेशान हाल है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि उनकी परेशानी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं। यही हमारा मकसद है कि आगे अगर कोई भी परेशान है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए काम करें। भाई ने खाली सोलो फोटो लेगा फेसबुक पे डालने के लिए, एक सोलो फोटो मैंने ऑलरेडी बाइट दे दिया एक बार।